ओके तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि जो तुम लोगों का फ़ोन का कैमरा होता है, जी हाँ फ़ोन का कैमरा, जैसे फ़ोन है मेरे पास और ये इसका यहाँ पर कैमरा है, तो इसे आप अपने स्ट्रीम लैब से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप बाहर जाते हैं कोई वेब कैम लेने, तो 1200 1100 इतने महंगे महंगे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे कैमरे आते हैं। और अगर आपको कोई HD कैमरा चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमर्स यूज़ करते हैं, तो वो 5 से 6 हज़ार रुपये तक के भी आ जाते हैं। लेकिन गाइज़ आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो गाइज़ हम उसी कैमरा को यूज़ करके अपने स्ट्रीम लैब्स के कैमरे से कनेक्ट करेंगे और हम स्ट्रीमिंग करें हमारे फ़ोन के कैमरे को एज अ वेब कैम यूज़ करके, हम अपने उसको अपने स्ट्रीम लैब्स की स्क्रीन पर डालेंगे आज यहाँ पर। तो गाइज़ बहुत छोटा सा प्रोसेस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और थोड़ा ईजी सा प्रोसेस है, बट अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो घंटा कुछ नहीं समझ आएगा, पहली बता दूँ। तो वीडियो को रात तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, वरना कुछ नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले तो जो मैं ये बता दूँ, जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी स्ट्रीम लैब्स पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये भी फ़ोन के कैमरा को स्ट्रीम लैब्स से ही कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और तो ये है मेरे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी, तुम्हारे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी अलग हो सकती है। मेरा फ़ोन है ROG 2, ASUS ROG Phone 2, तो तुम्हारी कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सी अलग हो सकती है। वैसे तो सब पे बढ़िया दे रहा है, अभी लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी है इनके ऐप की। तो गाइस फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको कनेक्ट करना कैसे है, आ जाइए। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है अपने क्रोम पे, उस पर गाइस दोनों पे आना है, पहले क्रोम पे आना है फिर फ़ोन पे आना है, दोनों का स्टेप मैं बता देता हूँ। क्रोम पे आकर यहाँ पर आपको टाइप करना है IVCAM, ठीक है ठीक है, IVCAM यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है साइट को, IVCAM की साइट को, और यहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड दिखाएगा, ये किसे यहाँ पर काट देना, और देखो नीचे हमारा यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया, दिख रहा होगा आप लोगों को नीचे तो, और स्टार्ट हो गया। और गाइस एक और बात बताना चाहूँगा, अरे यार इसमें तो ज़्यादा बार कर, देखो ज़्यादा बार डाउनलोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक ही है मतलब। तो गाइस एक बार ही डाउनलोड करना है। अब मैं बताता हूँ, आपने जो भी इससे पहले वीडियो देखी थी जिसमें इंट्रो दिया, उसमें आप लोगों को IVCAM का वाटरमार्क दिख रहा होगा, है ना। पर इस अभी जब मैं देख रहा हूँ तो नीचे की तरफ देखो कैमरे में, अभी वाटरमार्क नहीं दिख रहा होगा। तो गाइस मैं भी आपको वो भी बताऊंगी वो वाटरमार्क कैसे हटाना, बहुत ईजी स्टेप है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो गाइस सब बताऊंगा वीडियो को एंड तक देखना। तो ये यहाँ से डाउनलोड हो गया, इसे ओपन कर लेना, इंस्टॉल कर लेना विंडो में, मैंने पहले से ही कर रखा है तो इसलिए अभी नहीं कर रहा। अब सेम आपको क्या करना है, सेम आपको अपने फ़ोन में करना है, फ़ोन में जाना ऐप स्टोर पे, ऐप स्टोर में जाने के बाद लिखना IVCAM, देखो IVCAM लिखना, और वहाँ से उसे इंस्टॉल कर लेना, मैंने कर रखा है। तो गाइस दोनों जगह आपको IVCAM इंस्टॉल करना है, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको उसके बाद के प्रोसेस में करना है क्या है, आ जाओ। ओके गाइस, तो बताता हूँ आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको क्या करना है। आपको अपना फ़ोन लेना है ऐसे भी किसी स्टैंड पर, जैसे बस तो ऐसा स्टैंड है, किसी भी जुगाड़ से टिका लेना, किसी भी तरीके से किसी भी कर कुछ भी कर लेना। उसके बाद क्या करना है, इसको ऑन करना फ़ोन को, यहाँ से स्वाइप राइट कर मतलब ओपन कर लेना, और जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी IVCAM इसे खोल लेना, बस इतना प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो देखो अभी अपने आप कनेक्ट हो गया, वहीं पर चला हुआ था ऑलरेडी, कोई नहीं दोबारा से एक बार बंद कर लेते हैं यहाँ से और फिर करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये जब खुलेगा तो ऐसे चलेगा, ये सर्चिंग फॉर IVCAM PC। अब आपको क्या करना है, अपने PC में आना है, PC में आपको IVCAM दिख रहा होगा, ये देखो इसे ओपन कर लेना है, देखो अभी 1 मिनट लगेगा और देखो अभी ये चल गया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको, अब ये अभी वाईफाई से कनेक्ट हो रखा है, अगर आप ये जो मेरा फ़ोन है ये मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है और ये PC भी मेरा एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है, तो ये अपने आप कनेक्टिविटी इसने ले ली वहाँ से। बट अगर आपको USB से करना है या डेटा केबल से करना है, तो क्या करना, इसका वाईफाई ऑफ कर देना और यहाँ पे USB केबल लगाना और वो सीधा CPU में कनेक्ट कर देना ऊपर। तो 2 मिनट लगेगा, मतलब 2 मिनट नहीं, 5-7 सेकेंड लगते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, वो अपने आप कनेक्ट कर लेता है, वो भी ऐसे चलने लगेगा फिर जल्दी गाइस। जल्दी। मैं मैं आपको कहूँ यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसे USB के थ्रू ही कनेक्ट करोगे, तो कभी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, देखो कैसे टक टक के चल रही है स्क्रीन, दिख रहा होगा आपको इतने, देखो यहाँ पे ऐसे टक टक के चल रही है। तो अगर USB केबल है तो उसी से कनेक्ट करना है, तो उससे ज़्यादा बढ़िया चलेगा आपका। अब यहाँ पर बताता हूँ कि आपको इसे स्ट्रीम लैब से कैसे कनेक्ट करना है, एकदम फ्रेशली तरीके से आपको मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये जो कैमरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसे आप अपने स्ट्रीम लैब से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखना, इजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, तो आओ चलते हैं। तो पहले तो ये हमने IVCAM कनेक्ट कर लिया, अपने फ़ोन से भी सिखाया था, अब अपना स्ट्रीम लैब्स खोल लेना। यहाँ पे देखो मैं नीचे यहाँ पर खोल रखा है, तो इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने ऑलरेडी एक न्यू सीन क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको इस पर जाना है, ऐड अ न्यू सोर्स टू योर स्क्रीन, इंक्लूड्स विजेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसे क्लिक करना, ठीक है,
अब यहाँ पर आपको ये दिखाएगा वीडियो कैप्चर डिवाइस, ये देखो इसमें यहाँ पर आ जाता है बिल्ट इन वेबकैम, लॉजिटेक वेबकैम, कैप्चर कार्ड, जेलगाटो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसे ऐड सोर्स, ऐड सोर्स के बाद ऐड अ न्यू सोर्स इंस्टेड, क्योंकि आप लोगों के लिए नया होगा तो ऐड अ न्यू सोर्स इंस्टेड। अब यहाँ ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको करना है ऐड अ न्यू सोर्स, क्योंकि आपको ऐड अ न्यू सोर्स इंस्टेड पर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखा रहा होगा, इस पर यहाँ पर ऐड सोर्स कर देना। अब एक सेकेंड रुको, ब्लैक स्क्रीन हो गई है क्योंकि ये वाला हमारा ऊपर आ गया, इसे बार नीचे कर देता हूँ एक सेकेंड। हाँ तो अब ये आपको ऐसी स्क्रीन दिखाएगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से कुछ मत छेड़ना, बस ये जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखा होगा E2E सॉफ्ट IV कैम, या फिर आपके फ़ोन का नाम भी लिखा हुआ हो सकता है, पहले बता दूँ। तो इसे यहाँ पर एक बार ऐसे क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद देखो आपका आ गया फेस यहाँ पर, आपका कैमरा चलने लगा, मतलब यहाँ पर आपको कर देना है डन। एक सेकेंड, डन नहीं हुआ मे बी, एक सेकेंड रुको। हाँ तो यहाँ से आपको कर देना है डन। अब डन करने के बाद ये जो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये भी मैंने नीचे कर रखा है, डिफ़ॉल्ट ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ही आएगा। अब ये देखो यहाँ पर हमारा कैमरा आ गया ऊपर है ना, इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो अब ऐसा आ रहा है। अब देखो अब ये यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा है ये IV कैम का ऑप्शन, ये वाटर मार्क आ रहा है इसका। अब इसे कैसे हटाएंगे, क्योंकि तो हमें तो नहीं चाहिए कि ये हमें दिखे या हमारी स्ट्रीम में दिखे, क्योंकि हम तो नहीं प्रमोशन करना चाहते, ये अच्छा भी नहीं लगता कि हम मतलब जो भी है अब नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसे हटाएंगे कैसे। अब ये वाले बॉक्स दिख रहे हैं चार, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चारों फ्री किनारे वाले। तो क्या करना है, पहले इस ऊपर वाले पे आ जाना, इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना राइट, इस पर लेफ्ट क्लिक होता है ना माउस का, लेफ्ट क्लिक वाला बटन, इसे क्लिक कर ऑल्ट दबाना, इसे क्लिक करके रखना यहाँ से, और जो कीबोर्ड का ऑल्ट बटन होता है ALT बटन, उसे दबाना और इसे स्क्रॉल, एक सेकेंड बटन दबाना और फिर से यहाँ से स्क्रॉल कर देना। पहले ऑल्ट बटन दबाना, पहले बता रहा हूँ, ऑल्ट बटन दबा के रखना, फिर कीबोर्ड से इसे स्क्रॉल करना। फिर से बता देता हूँ, ऑल्ट बटन दबा के रखना, इसे प्रेस करके रखना और स्क्रॉल कर देना। अब एक तरफ से हो गया, आप दूसरी तरफ से भी कर लो थोड़ा सा, क्योंकि एक जगह से अच्छा नहीं लगेगा। अब इसे दूसरी तरफ से भी कर लेना इसे स्क्रॉल। अब देखो हो गया हमारा कैमरा रेडी, अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा है ना बढ़िया, है ना। तो ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर ये आपका हो गया, अब इसे कहीं भी लगा लो, आप छोटा कर लो, छोटा कर लो, कहीं भी लगा लो, यहाँ लगाना है, यहाँ लगा लो, यहाँ लगाना है, यहाँ लगा लो, ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ लगाना है वहाँ आप इसे आराम से लगा सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो यही थी, अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत करीब है ठुके के वीडियो को। प्लीज़ लाइक और कहीं कमेंट करके बता दिया करो थोड़ा बहुत, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, तो मैं अगली चीज़ उस पर मतलब कर लूँगा, ध्यान कर लूँगा उस चीज़ पर भी। और तुम्हारे मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता ही हूँ, तो गाइज कमेंट करके बता देना अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।